नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऋतु का सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी का मेरे चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल में स्वागत है। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि आप मुझे एक्जियोरा का प्लांट लगाना बताएं, उसकी केयर कैसे करना है और उसका प्रोपगेशन कैसे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ये ड्वार्फ वैरायटी का पौधा रखा हुआ है। एक्जियोरा ये बहुत ही रफ एंड टफ पौधा होता है और साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। यदि आपका पौधा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग जब आप करते हैं तो जो भी कटिंग निकलती है उसको आप एक जगह गमले में लगाकर छांव में रख दीजिए, तो आपका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये जितने भी पौधे बनते हैं ये कटिंग के द्वारा ही बनते हैं, इसको किसी विशेष मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। आप रिच सॉइल बनाइए, उसमें अपनी कंपोस्ट ऐड कीजिए, वर्मी कंपोस्ट ऐड कीजिए, जो भी हो गोबर की खाद यूज़ कीजिए, अपने गार्डन की सॉइल यूज़ कीजिए और समय समय पे उसे हफ्ते दो हफ्ते में आप एक बार उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए या लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिए, तो ये पौधा बहुत अच्छा रहता और साल भर फूल देता है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले ये पॉट लेंगे। ये मेरे पास पॉट है और मैं इसमें अपनी मिट्टी तैयार करके फिर आप लोगों के बीच में आती हूँ। ये हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में हम इसे पॉट में फिल कर लेंगे। मैंने ये पॉट में आप देख रहे हैं एक पुराना कपड़े का टुकड़ा बिछा रखा है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए। और ये जो है ये मेरी पोरस मिट्टी है तो ये इजीली ड्रेन हो जाएगी और इसको हम भर लेंगे इतना। देखिए हमने इतना भर लिया है, इसको हम वहाँ से दबा देंगे उंगलियों की सहायता से। और ये जो पॉट है इसमें अब दो तरह के पौधे लगे हुए हैं। हम पॉट को ऐसे दबाकर चारों तरफ से, देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी में ये लगा हुआ है, हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए इसकी जड़ बहुत, ये देखिए इनको लगाना बहुत ही आसान है। आप सीधे इनको निकाल के, क्योंकि ये प्लास्टिक की इस तरीके की बास्केट में लगा हुआ है इसलिए इसकी रूट्स जो है मेन रूट्स डिस्टर्ब नहीं होती, तो इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए इसको भी आप ऐसे सिर्फ निकाल के और इसको ऐसे रख दीजिए अलग अलग और इसे इतना भर दीजिए कि वो उसकी जो बास्केट है उसको कवर कर ले। इसको हम ऐसे रख देंगे और साथ ही साथ हम इसे दबाते भी जाएंगे, यदि कोई एयर पॉकेट्स होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो रिच मिट्टी लेने का फायदा ये है कि आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने गोबर की खाद डाली है, पुरानी गोबर की खाद अपने पॉटिंग मिक्स में मिलाई है, तो आप एक महीने तक यदि खाद ना भी डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेड़ जो है वो फूल देगा। पर यदि अच्छी आपको फूल चाहिए और पौधों में अच्छी बढ़वार चाहिए तो आप उसे हर 15 दिन में खाद डालते जाइए, जिससे आपका पौधा जो है बहुत हेल्दी रहे और आपको फूल अच्छा देता रहे। क्योंकि इन पेड़ों की शोभा फूलों से ही होती है और बस इन्हें धूप बहुत चाहिए होती है। तो आप इन्हें पॉट में जब आप लगाते हैं तो इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे धूप अच्छी आए, या फिर अपने गार्डन में यदि आप लगाते हैं तो गार्डन में लैंडस्केप वगैरह में भी आप इसे लगा सकते हैं, तो ये बहुत खूबसूरती वो क्रिएट करते हैं। जब कभी भी ऐसा लगे आपको कि इनमें किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप माइल्ड सोप सॉल्यूशन डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए ऊपर से, और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजिंग के साथ साथ आपके प्लांट्स को कीड़ों से भी बचाते हैं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप नीम का ऑयल मैंने बताया स्प्रे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा मिट्टी हो गई है इसलिए इसमें ऊपर से डाल दूंगी पानी, और पानी अच्छी दीजिए इनको। और यदि आपकी
जो सॉइल गीली है तो आप एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल मत डालिए जब तक कि इस पेड़ को ज़रूरत ना हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगेगा और पसंद आएगा। तो अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।